हेलो एवरीवन, क्लास टू सेमेस्टर टू पेज नंबर 128। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सन एंड मून। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सन, मून, स्टार्स, मैन्स जर्नी इनटू स्पेस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, लुक एट द सीन गिवन बिलो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, उसे आप देखिए। राइट टू थिंग्स दैट टेल्स यू इट इज नाइट। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को देखिए, ओके, अच्छे से देखिए, दो चीज़ें लिखिए जो आपको बताती है कि यह रात है। क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए अच्छे से, मून और स्टार्स, है ना? ये दो चीज़ें आपको बताती है कि यह रात है ना? सन, सन यानी सूरज। डियर स्टूडेंट्स, अब सभी लोग सूरज देखा है ना? देखा है कि नहीं? यस। द सन इज वेरी बिग, इट इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। डियर स्टूडेंट्स, सूरज बहुत बड़ा है, यह गर्म और जलती गैसों की एक विशाल गेंद है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। डियर स्टूडेंट्स, यह हमें गर्मी और प्रकाश देता है। इट मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट। डियर स्टूडेंट्स, यह दिन को गर्म और उज्ज्वल बनाता है। सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। डियर स्टूडेंट्स, सूरज की रोशनी पौधों को बढ़ने में मदद करती है। सनलाइट हेल्प्स द फ्रूट्स ऑन द ट्री टू राइपन। डियर स्टूडेंट्स, सूरज की रोशनी पेड़ पर फलों को पकने में मदद करती है। द हीट ऑफ द सन ड्राइज वेट क्लोथ्स। डियर स्टूडेंट्स, सूरज की गर्मी से गीले कपड़े सूख जाते हैं। येस और नो? येस, हम लोग हमारे गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं, है ना? फिर सूरज की गर्मी से गीले कपड़े सूख जाते हैं। येस और नो? येस। After the sunset, the light fades away and it becomes dark. It is then that we can see the moon and the stars in the sky. Dear students, दिन में आपको moon, stars ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देते हैं? नहीं, है ना? Sunset के बाद अंधेरा हो जाता है, फिर हमें क्या दिखाई देता है? Moon, stars, है ना? Sky में हमें क्या दिखाई देता है? मून और स्टार्स, ओके? यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, सर्कल एंड कलर द थिंग्स यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर्स दिए गए हैं, दिन में जो चीज़ें आप देख पाते हैं उसे आपको सर्कल करना है और कलर भी करना है, ओके? दिन में आपको क्या दिखाई देता है? सन, है ना? रेनबो। यस और नो? यस, सन और रेनबो को आपको सर्कल करना है और इसे आपको कलर करना है, ओके? टाइम टू आंसर। वन नंबर, द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सेकंड नंबर, सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। थर्ड नंबर, सनलाइट हेल्प्स फ्रूट्स टू राइपन। फोर्थ नंबर, द सन मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट। नेक्स्ट, मून। डियर स्टूडेंट्स, अब सभी लोग मून देखा है ना? येस और नो? येस, अब सभी लोग मून देखे हैं, है ना? मून, द मून शाइन्स एट नाइट। डियर स्टूडेंट्स, चांद रात में चमकता है ना? डियर स्टूडेंट्स,
चांद दिन में चमकता है या रात में? चांद रात में चमकता है ना? इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ एंड इज स्मॉलर देन आवर अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, चांद पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और हमारी पृथ्वी से चांद छोटा है ना? यहाँ पर पिक्चर में देखिए, ये है अर्थ और मून। ओके, चांद पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और छोटा है ना? द फुल मून लुक्स लाइक ए बिग शाइनिंग बॉल इन द स्काई। डियर स्टूडेंट्स, फुल मून कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन आसमान में एक बड़ी चमकती गेंद की तरह दिखाई देती है ना? इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। डियर स्टूडेंट्स, चांद के पास कोई भी रोशनी नहीं है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह चमकता है। यहाँ पर पिक्चर में देखिए डियर स्टूडेंट्स, चांद के पास कोई लाइट नहीं है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह चमकता है। ओके, इट हैज रॉक्स एंड माउंटेन्स ऑन इट, देर इज नो एयर टू ब्रीद एंड नो वाटर टू ड्रिंक ऑन द मून, देर इज नो लाइफ ऑन द मून। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में देखिए, ये चांद है, मून है ना? अब सभी ने चांद देखा है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है? माउंटेन्स हैं। और क्या है? गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स और गड्ढे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन्स हैं, है ना? पहाड़ है। और क्या है? गड्ढे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं मिलता है ना? यहाँ पर हवा नहीं मिलता है। ओके, और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। ओके, टाइम टू आंसर। What is correct about the moon? Put a tick on it. It has light. One number. It has light. No. Second number. There is no water on it. Moon में water है? नहीं. Okay. यहाँ पर write कीजिए. Third number. It has big mountains. Yes. Moon में बहुत बड़े-बड़े mountains हैं. बिग माउंटेन्स हैं। ओके, राइट।